एंड मायसेल्फ इज़ भानु प्रताप सिंह राजपूत। मैं 12th क्लास कॉमर्स का स्टूडेंट था और मैंने कॉमर्स से 12th क्लास में मार्क्स गेन करे हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। 100 में से 84 मेरे अकाउंट में है, 100 में से 80 मार्क्स मेरे इकोनॉमिक्स में है, 100 में से 88 मार्क्स मेरे बिजनेस में है, 100 में से 77 मेरे हिंदी में है। मेरे हाइएस्ट मार्क्स रहे बिजनेस स्टडी में 100 में से 88। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ मैंने किस प्रकार पढ़ाई करी, कितना पढ़ाई को टाइम दिया, कैसे करी। और मेरे जो सर रहे उनने बहुत मेरा सपोर्ट किया, और हिमांशु भैया सर गुरु और जितनी भी मेरी पढ़ाई में जो भी करा है वो हिमांशु भैया ने कराया है। और हिमांशु भैया होम कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं अपने लिए, और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर वो पढ़ाते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन कि मेरी पढ़ाई कैसी रही। तो मेरा जो रिज़ल्ट रहा वो बहुत ही अच्छा शानदार रिज़ल्ट रहा, जो कि बहुत ही इजीली तरीके से मैं 3 घंटे की पढ़ाई में लेके आया हूँ। मैंने 4 घंटे हाईएस्ट 5 घंटे से ज़्यादा कभी पढ़ाई की नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, पर्सनल रियली सच में बता रहा हूँ, मैंने 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है। मुझे जो मेरे भैया हैं हिमांशु पारा सर, वो पढ़ाई को एक अलग ही चीज़ पे लेके गए, जिससे कि मैं अच्छा रिजल्ट लेके आया। अलग ही कैसे लेके गए, क्योंकि आज की जो टीचरों की थिंकिंग है कि भाई 5 क्वेश्चन पढ़ा दिए, समझा दिए और बोल दिया अगले 5 तुम पढ़ना और ये 5 को कल सुनाना। तो जैसे ही टीचर बोलता है स्टूडेंट से सुनाना, तो बच्चा के दिमाग में क्या चलती है कि बस भाई मुझे ये 5 आंसर रटने हैं कि मैं कल कोचिंग सेंटर पे जाऊंगा, मैं इनको सुनाऊंगा और मेरा इम्प्रेशन अच्छा रहेगा क्लास में। और अगर कोई बच्चा नहीं सुना पाया तो उसकी यार भाई इंसल्ट होगी, उसका मजाक बनाया जाएगा फ्रेंड सर्कलों में, टीचर्स भी उसको लेक्चर देगा। एक दिन टीचर कुछ नहीं बोलता, 2 दिन नहीं बोलता, 3 दिन नहीं बोलता, 4 दिन नहीं बोलता, 5वें दिन तो फिर वो उस स्टूडेंट की पूरी क्लास में एक जोक बनाने लगता है कि भाई तुझे दे रहे हैं तू पढ़ी तो नहीं रहा। पर उसमें गलती स्टूडेंट की नहीं है, वो पढ़ाने वाले की है कि तुम समझा नहीं पा रहे। पर अगर आप स्वयं पढ़ाई करते हो, खुद देखते हो, डाउट्स के लिए एक टीचर हो कि आपका कोई भी डाउट हो, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर स्पेलिंग भी नहीं आ रही अपन को, वोकैबुलरी भी नहीं आ रही, एंड का मतलब भी नहीं पता कि और होता है, तो एक टीचर होना चाहिए कि आपको वो 10 बार बताए। और स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि भाई सर बता रहे हैं उसको समझो। मजाक में आज की पढ़ाई को लेके बड़ा ये है कि इजीली हो जाएगी, बोल तो सब देते हैं, कोई बताता नहीं कैसे हो जाएगी इजीली। तो मैं बताता हूँ ना कैसे हो जाएगी इजीली वीडियो, ऐसे पढ़ाई हो जाएगी अपन की आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, पूरी प्लेलिस्ट देखें, अकाउंट की, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियोस देखें, आपका इजीली पढ़ाई होगी, बिल्कुल गारंटी। जब मैं लेके आया हूँ 76.8% बिजनेस में मेरे, जो कि मार्क्स हैं 88 हैं, इकोनॉमिक्स में 80 हैं, अकाउंट में 84 है। मैं बोलता हूँ आप इस वीडियो के साथ, पूरी मेरी वीडियो देखें, उस चैनल के साथ जुड़े रहें और पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो देखें, आप इजीली 85 मार्क्स लेके आ सकती हूँ 12th एग्ज़ाम में, 12th MP बोर्ड। और 11th में भी मैं इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ था, पूरी वीडियो देखता था, हिमांशु भैया ने मुझे होम कोचिंग प्रोवाइड कराई और पूरे गुना में होम कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए और बताता हूँ आपको मेरे बारे में और मेरी पढ़ाई के बारे में। तो हम लोग पढ़ाई करते थे 2 घंटे या 1 घंटे हमने पढ़ाई करी पर डे। उसमें क्या रहता था, हमारी जो स्टडी थी पढ़ाई को लेके, वो अकाउंट भी पढ़ना होता था एक दिन, बिजनेस भी उसी दिन पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी उसी दिन पढ़नी है, और हिंदी भी उसी दिन पढ़नी है, और इंग्लिश भी उसी दिन पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट हम उसी दिन पढ़ते थे। पर फिर बड़ा टफ रहा, तो भैया ने एक स्ट्रेटजी निकाली कि अपन ऐसा करते हैं डे बाय डे सब्जेक्टों को बांट लेते हैं। अब टीचरों का क्या रहता है, हर किसी का टाइम टेबल क्या रहता है, डे बाय डे बांट लिए तो भाई अपन को मंडे को रखना है अकाउंट, फिर इकोनॉमिक्स रखना है ट्यूसडे को, वेनसडे को बिजनेस रखना है, फिर अपनी थर्सडे को हिंदी रखना है, और फ्राइडे को अपन को क्या रखना है, इंग्लिश रखना है, और भाई सैटरडे को अपन टेस्ट ले लेंगे और कोचिंग संडे की ऑफ। यही है आजकल टीचरों का टाइम, तो ये टाइम नहीं हो पाता। आप एक सब्जेक्ट को एक दिन देने की सोचते हो तो आप पूरा उसमें ही दे देते हो, फिर अगले दिन भी उसमें डाउट रहते हैं, वो डिस्कस करोगे तो नहीं हो पाता। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट करिए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट कैसे, कि अकाउंट और बिजनेस ले लिया अपन ने, उसको अकाउंट का भी अपन को 2 आंसर पढ़ना है, मिनिमम 2 तो पढ़ो 2, और कम से कम एक एक दोनों सब्जेक्टों के समझो, जिसकी जैसी स्टडी हो, दिमाग की जितनी क्षमता हो उसे उतना ही पढ़ना चाहिए, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो।
वो कहते हैं ना कि अपन कोई भी चीज़ को, एक कहावत है कि कम खाओ पर अच्छा खाओ। कम खाओ पर अच्छा खाओ का मतलब क्या है कि अपन कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसका अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं लग रहा, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि बादाम खाओ रोज़, तो भाई कम खाओ यही बोलते हैं, एक खाओ या दो खाओ, ये तो बोलते नहीं है कि भाई सारी खा जाओ एक ही दिन में, कि भाई आप मार्केट से 1 किलो बादाम लेके आओ और 1 किलो एक ही दिन में फिनिश कर दो, तो ये नहीं होता। हर चीज़ को कम करो, धीरे धीरे करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो हम लोगों का जो पढ़ाई थी वो हम 2 या 3 आंसर पढ़ते थे पर डे, एक दिन में 2 या 3 आंसर भैया मेरे को समझाते थे। और मेरी जो वीडियो हैं भैया की चैनल पर डली हुई हैं वो भी मैं देखा करता था। तो मैं ये नहीं कि एक ही दिन में पूरी देख ली, एक ही दिन में पूरी देखने से देख सकते हो पर आप एक दिन में पूरी नहीं समझ सकते। कोई भी वीडियो एक दिन में अपन बस एक बार देखने पर नहीं समझ सकते, एक वीडियो को मिनिमम 3 बार तो आपको देखना होगा। 2 बार देखो 1 बार सुनो तभी आप कर पाओगे। तो मैं पूरी वीडियो देखा करता था बाकायदा मेरे डे बाय डे, और उसके बाद में अपना जो पढ़ाई को लेके एक टेंशन रहती है बच्चों की, मुझे एक हाईएस्ट मार्क्स लेके आना है, हाईएस्ट मार्क्स लेके आना है, हाईएस्ट मार्क्स लेके आना है। हाईएस्ट मार्क्स तो आएंगे, पहले आप उसको ये बनाओ थिंकिंग कि पढ़ना है मुझे, पढ़ना है, पढ़ना है ऐसे है कि मैं दूसरे को पढ़ा सकूं, समझा सकूं, उसको पूरी तरीके से अपना ओपिनियन जो भी मेरी बातें हैं उसको बहुत ही इजीली समझा सकूं बे में, वो पढ़ाई है। मार्क्स लाना भाई बहुत अच्छी बात है, मैं उसका सपोर्ट करता हूं, मार्क्स लाया है, पर मार्क्स लाने के बाद तुम समझा नहीं पा रहे तो वो क्या काम की पढ़ाई। और तो पढ़ाई को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप जूनियरों को, अपने भाई बहनों को, सबको पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। उसके बाद में मैं बताऊँगा आपको कि हिमांशु भैया से आप जुड़े रहें, उनके व्हाट्सअप नंबर वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप जुड़े रहें, पूछें उनसे जो भी डाउट हों वो हर डाउट को बताएंगे। और भैया की जो थिंकिंग है पढ़ाई को लेके बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया मोटिवेशन भी हैं, एडवाइज़र भी हैं और सिंगर भी हैं, वो गाने भी हैं, गाते हैं और बहुत बढ़िया सिंगर भी हैं और फ्रेंड भी हैं। मैं तो भैया मेरे फ्रेंड भी थे और मैं उनसे हर तरीके की मेरी बात डिस्कस करता था और आज भी करता हूँ और जुड़ा हुआ हूँ और लाइफ टाइम जुड़ा रहूँगा। तो मेरा जो 12th के बाद अब पढ़ाई करने का है, मैं करूँगा BCom करने वाला हूँ, उसके बाद मैं क्लैट की तैयारी करूँगा, फिर LLB कॉलेज में एडमिशन लूँगा, उसके बाद मैं LLB की डिग्री लाने के बाद मैं जज की तैयारी करूँगा। तो मुझे जो कि जज बनना है बहुत बढ़िया फील्ड है और मुझे वो बनना ही है, थिंकिंग है मेरी कि, और ना तो मुझे किसी एग्ज़ाम में जाना कि भैया सिविल सर्विस में चले जाओ या कहीं चले जाओ, मुझे सिर्फ जज बनना है, जज की तैयारी करना है, LLB करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ। मेरा जो भैया, जो हिमांशु भैया हैं जो मुझे समझाते थे, तो उनका जो एक सब्जेक्ट रहता है, हर किसी का एक सब्जेक्ट रहता है कि अपन उसको पढ़ते भी हैं और समझा भी अच्छे से पा पाते हैं सामने वाले को। तो भैया बिजनेस और इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजीली तरीके से मैंने इनकी वीडियो देखी, समझा कि भैया बिजनेस और इकोनॉमिक्स को तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देते हैं, बहुत तरीके के एग्ज़ाम्पल, मतलब एग्ज़ाम्पलों की कमी नहीं है कि कमी हो, एग्ज़ाम्पल बहुत हैं, बहुत हर चीज़ के एग्ज़ाम्पल। जैसे माइक्रो का हमने निकाला था कि माइक्रो लॉजिक वगैरह सब, हर चीज़ में एक वर्ड में हर एक लॉजिक लगाते हैं। कैसे लगाते हैं बताता हूँ मैं, कि हमने एक ट्रिक निकाली थी, एक वर्ड में बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या है, माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या रहता है। तो भाई माइक्रो छोटी चीज़ रहती है, मैक्रो बड़ी चीज़ रहती है। अब इसको भूल जाते थे कि माइक्रो क्या है, माइक्रो छोटी है मैक्रो छोटी है, माइक्रो छोटी है मैक्रो छोटी है या मैक्रो बड़ी है। तो अपन ने निकाला कि MICRO माइक्रो हो गया, ठीक है, और MACRO मैक्रो हो गया। तो माइक्रो में M के बाद आ रहा है I, आई यानी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल चीज़, सिंगल चीज़, ठीक है। और मैक्रो में एम के बाद आ रहा है ए यानी एग्रेटिव चीज़, एग्रेटिव डबल, कोई भी दो चीज़। तो अपन ने एक लॉजिक निकाल लिया कि माइक्रो मैक्रो क्या है, कि MICRO माइक्रो आ गया तो इंडिविजुअल चीज़, किसी भी एक चीज़ का अध्ययन करना, और मैक्रो आ गया तो ग्रुप में, बंडल ऑफ नंबर में अध्ययन करना। तो ये ट्रिक जो कि हिमांशु भैया ने मेरे को बताई थी और वो मैंने आपके साथ शेयर करी, ये एक लॉजिक रहता है। पढ़ाई को लॉजिक के साथ पढ़ोगे, ट्रिक के साथ करोगे, पजल के साथ पढ़ोगे, पिक्चरों के साथ पढ़ोगे, तो लॉन्ग टाइम तक चलेंगी वो।
तो ये ट्रिकें, नए नए एग्जांपल आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको सब मिलेंगे और एक पढ़ाई का एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन भी मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई करते पढ़ते करते करते अपन 24 आवर मोटिवेट नहीं रह पाते, एक घंटे या 27 दिनों, हफ्ते के 7 दिन तो मोटिवेट रहते नहीं हैं अपन। एक दिन तो लगता है कि बस यार थोड़ा रिलैक्स, तो उस टाइम पे जब अपन को कोई बताने वाला हो जाए कि हाँ रिलैक्स करो, पर रिलैक्स करने के बाद फिर ऐसे उठो कि अगला रिलैक्स लड़ो ना, जब तक आप आराम करो अगली बार तो बहुत बढ़िया रिजल्ट के साथ करो, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करो। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको मोटिवेशन वीडियो भी मिलेंगी, एडवाइस वीडियो भी मिलेंगी और पढ़ाई की वीडियो भी मिलेंगी, हर तरीके की वीडियो मिलेंगी इसमें, 10th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की, बीकॉम की, कॉलेज की, ग्रेजुएशन की, और जो भी नॉलेज आती रहेगी अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, सब आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलेगा। फैक्ट वाली चीज़ें मिलेंगी, कायदे वाली चीज़ें मिलेंगी, कोई ये नहीं रहेगा कि वीडियो अपनी आधे घंटे जा रही है, एक घंटे जा रही है और सेंस कुछ निकल नहीं रहा। एक एक सेकंड अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो हर वीडियो को देखेंगे उसमें लॉजिक वाली बात मिलेगी, कोई ये बात नहीं मिलेगी कि यार पढ़ा बताया कुछ था, थीम कुछ डला वीडियो में और निकला कुछ, ये नहीं। आप टाइम दो, मैं खुद कहता हूँ आप टाइम दो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हिमांशु भैया इकोनॉमिक्स और बिजनेस के तो ये मान लो चैम्पियन है, आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको बता सकते हैं और मार्क्स ला सकते हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें और उसके बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हम लोगों का दो तीन, हर सब्जेक्ट हम दो या तीन आंसर पढ़ते थे, कम होमवर्क का कोई टेंशन नहीं था कि कल लाना है समझाओ। जैसे माइक्रो मैक्रो क्या है, ये नहीं कि उसको पूरी डेफिनेशन रट के आओ, समझा दो क्या है, एग्जांपल क्या है, तो बस क्लियर है, बहुत ही तरीके से क्लियर है। पर टीचर्स क्या बोलते हैं, पूरी डेफिनेशन पढ़ो, माइक्रो इकोनॉमिक इज द इंडिविजुअल यूनिट, तो भाई इंडिविजुअल यूनिट रहती है, ठीक है, स्मॉल वेरिएबल रहते हैं, ठीक है, वेरिएबल हो गए अपने, इंडिविजुअल हो गए, ठीक है, कोई भी एक चीज़ का अध्ययन किया अपन ने, इंडिविजुअल स्टडी करी, पर्टिकुलर टाइम पे करी, उसको अपन माइक्रो बोलते हैं। अभी ये अपन ने समझाया, ये ज़्यादा बेटर है या अपन डेफिनेशन पढ़ते हुए चले गए, डेफिनेशन पढ़ते हुए चले गए, जो कि अपनी 3D पिक्चर है, कि जिसमें उसने पहले बताया कि वो रहता है कि मशीन क्या है, तो वो जिप का एग्जांपल देता है, तो बोलता है यार क्या बेहूदा बात करिए यार, जिप कोई मशीन थोड़ी है। फिर उसने बोला अच्छा मशीन नहीं है, तो लो भाई आप थ्योरिकल पढ़ लो, थ्योरिकल पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी उसने, तो हाँ यार है तो मशीन ही यार। तो एग्जांपल को जोड़ के चलो, हर चीज़ को समझो, समझना मैंने, क्योंकि अपन कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो ये थोड़ी बोलेगी भाई अपन ने डेफिनेशन बोल दी और वो बन गई, अपन उसको समझेंगे, अपन को बनाएंगे तभी तो वो बनेगी, बनेगी ना या नहीं बनेगी आप बताइए, बनेगी, अफकोर्स बनेगी, सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक अपन उसको करोगे नहीं, समझोगे नहीं, प्रयास नहीं करके देखोगे, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के नहीं देखोगे किसी भी चीज़ को, वो लॉन्ग टाइम तक चल ही नहीं सकती। तो हर चीज़ को एग्जांपल के साथ पढ़ाते थे, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया कोचिंग दी मेरे को और पर्सनली पढ़ाया, बाकायदा क्वेश्चन आंसर इस चैनल में थे, वो ही हम लोग देखा करते थे, समझाते थे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि बहुत बढ़िया भैया की स्ट्रॉन्ग है, और मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आज के टाइम पे, मुझे बिजनेस और उसके बाद में अपने क्या बोलते हैं, बिजनेस हो गया, अकाउंट हो गया, ये दो सब्जेक्टों में मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया भैया ने करा है, उनसे कुछ नहीं है कि समझना आना चाहिए, समझा सकता हूँ मैं इजीली, मेरा कहने का ये मतलब है, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, मैं बाकायदा सब बता दूंगा, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से, 12th 11th 10th से जुड़े रहे हैं आप चैनल को, हर डाउट का क्लियर होगा। और अपन, मेरा रिजल्ट 76.8% है ओवरऑल, परसेंट मैंने 76 है, पॉइंट में कुछ है तो आप लोग देख लेना, वो मैं रिजल्ट की कॉपी या रोल नंबर वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो के लिंक में जाके देख सकते हो। तो बस मेरा कहने का यही मतलब है, आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, सब चैनल की वीडियो देखें और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे भाई बहन हैं छोटे जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, 12th में एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सोच रहे हैं, तो सोचो मत, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जिससे कि आपको वीडियो मिलेंगी, अपडेट मिलेंगे और आप इजीली तरीके से 3 या 4 घंटे की पढ़ाई में आप कर सकते हो इस वीडियो को। तो धन्यवाद, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।